राजस्थान केरल में अब सर्जिकल स्ट्राइक की एंट्री हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आज राहुल गांधी ने नया दाव खेला है। राहुल ने पीएम मोदी पर सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप भी लगाया। राहुल ने पीएम के हिंदू ज्ञान पर भी टिप्पणी की। राहुल के आरोपों पर अमित शाह ने करारा जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाया। आज उदयपुर में बोले राहुल गांधी, कहा यूपी में हार के डर से सेना की जीत को राजनीतिक उपलब्धि बनाया। आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाया, पूछा किस प्रकार हिंदू है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के दौरान 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया। कांग्रेस का आरोप, पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक रूप दिया। राहुल ने सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, जीएसटी और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी के हिंदू होने पर भी सवाल उठाया। He turned their surgical strike into a political asset and he was losing that election in UP. So he needed to turn a military asset into a political asset. Like Mr. Narendra Modi's surgical strikes. Manmohan Singh ji did that 3 times. When the army came to Mr. Manmohan Singh, they also said, we want it to be secret. Hamare Pradhan Mantri kehte hain, main Hindu hoon. Aur jo Hinduism ki neev hai, usko nahi samajhte. Kis prakar ke Hindu hain? Rahul ke daave par BJP ne palatwar kiya. Sar mani chahiye. चुल्लू भर पानी में डूब रहे हो, देश के शहीदों का अपमान करते हो। आप में तो हिम्मत नहीं थी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा राहुल बाबा, इस सर्जिकल स्ट्राइक ने क्या अंतर किया। चुनाव के वक्त पे आरोप प्रत्यारोप की भाषा है। देश के प्रधानमंत्री हिंदुइज्म के बारे में ना जानते हो, ऐसा क्यों वक्तव्य देना चाहिए।